डे 4। तो अभी हम हैं सिवदार में और बज गए 5:30। हमने जाना है ऊपर कैलाशकोट। ये देख लो सुबह का नज़ारा, काफ़ी सुंदर सुंदर है। ठंड बड़ी है यहाँ यार। और मैं जा रहा हूँ अब दूध लेने यहाँ की ट्राइब से। ब्रेकफास्ट हमने रेडी कर लिया, दूध ठीक है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाई है प्लस थोड़ी सी चीनी और बटर के साथ साथ जैम। लगता है पैसे अब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाने ये आ रहे हैं। अच्छी बात है, दोस्ती हो ही जानी चाहिए क्योंकि कल मैं बहुत डर रहा था इनसे। तो गाइस एक्चुअली हुआ यूं कि सिवदार में मेरे पावर बैंक ने जवाब दे दिया था और जब हम चेकआउट कर रहे थे तब के टाइम की ब्लॉगिंग मैं कर ही नहीं पाया। करीब हमने 11:30 बजे वहाँ से चले थे सुबह और हमने सोचा था कि करीब 5:30 या फिर 6 बजे तक ऊपर कैलाशकुंड पहुँच जाएंगे। और पानी वगैरह हमने कैरी कर लिया था क्योंकि पानी ऊपर है ही नहीं, इसलिए नीचे से ही कैरी कर लें तो अच्छा रहेगा। वो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जो सिवदार के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ से, ओके। और एक बात की खुशी है कि मैंने सारा का सारा रास्ता बताया हुआ है डुड्डू वाली साइड से कैलाशकुंड तक, तो जो कोई भी आगे यहाँ पर आना चाहेगा तो वो मेरी वीडियो देख सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सियो से रास्ता आता है, ठीक है, छोटी सी पगडंडी के बल की पहाड़ी है ऐसे ट्राइंगल शेप में। तो जो आपको धुआं दिख रहा है ना धुंध का, ठीक है, धुंध दिख रही है, उसी पहाड़ी पर आते जाना ट्रैक सामने से लगा हुआ लगा हुआ लगा हुआ, ठीक है, पूरी सिवदार है। और यहाँ से आपको सीधे ऊपर वाली साइड जाना है, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो ये ठंडी पदर, ठीक है, रास्ता यहाँ से ऊपर है, वो जो देख रहे हो आप पहाड़ उसके बाएं साइड से वो साइड। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी छोटे छोटे पत्थर संतोलिया टाइप बड़े बड़े पत्थरों पे रखे होंगे तो सेम वहीं पे जाना है, समझ लो। वो जो रास्ता है वो भी उसी साइड जाता है और ये जो रास्ता है ये भी उस साइड जाता है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो बड़ा पहाड़ है इसके बाएं से चलते जाना है, ठीक है। बाएं से चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे फिर कैलाशकुंड के पहाड़ आपको दिख जाएंगे। ये जो पहाड़ है इसके पास नहीं आना किसी को, इस साइड से आना बिल्कुल, ठीक है, ठंडी पत्थर से ट्रैक लगा हुआ है, इस साइड आओ आप बस। और ये भोले बाबा का त्रिशूल उतार लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आ गई बर्फ, जिसका थोड़ा बहुत डर था कि रास्ते में बर्फ ना हो। रवि भाई आगे आगे जा रहे हैं बर्फ के बीच में, स्लिप बड़ी ज़्यादा होने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो देखो नजारा कैलाशकुंड का भाई, सिर्फ हमने कैलाशकुंड का व्यू देखा था, इतने में बारिश आ गई यार और हमें सिर्फ 10 सेकंड मिले कि कहाँ जाए कहाँ जाए, तो हम एक पत्थर के नीचे आ गए। और आप देख सकते हो किस तरह से टक टक की आवाज आ रही और इतनी बड़ी बड़ी बूंदें बरसने आ गई यार। अभी तक बारिश कम ही नहीं हुई तो हम खाना भी यही खा रहे हैं। तो गाइस वेट करते करते भूख लग गई है, एडवेंचर काफी मस्त हो रहा है। ये पत्थर नहीं होता तो हम पूरे बारिश में भीगे होते, और ये तरपाल नहीं होता तो आई थिंक हम हाइपोथर्मिया से स्वर्ग की टिकट भी काट सकते हैं।
ग्लेशियर के बीच में। अब मेरे को भी क्लाइम करना पड़ेगा ऐसे ही। और गाइस मेरा नंबर लग चुका है बर्फ क्रॉस करने को। ओह माय गॉड। और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, देख रहे हो आप, व्लॉगिंग करना बहुत टफ है इस टाइम। ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर लिया, और आप देख सकते हो सिर्फ ग्लेशियर ग्लेशियर थोड़ा सा रह गया। और भगवान जी की कृपा रही तो ये भी कर लो। और आप व्यू देखो इस टाइम, एडवेंचर तो आपको खूब मिल रहा है। हम थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पहले मैं बहुत डर रहा था क्योंकि बर्फ में मैं बहुत ही कम चला। सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय ग्लेशियर। तो ये हम पूरा करके आए हैं, अभी उस साइड से मिल रहा है, इस साइड से दम कम लगा काफ़ी। इतनी मैंने आज तक लोहड़ी चलाई नहीं होगी, इतनी बर्फ चला दी अभी तक। चलते हैं, मैं साथ में ही है। हर 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 जय हो बुजुकीनाथ देवता की, जय हो बुजुकीनाथ देवता जी की। तो शाम के साथ करीब बजने ही वाले और 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, जो कि हमने सोचा था कि 5 बजे कंप्लीट होगा, लेकिन किसी कारणवश हम 7 बजे, वो कारण था ग्लेशियर। तो हमने इसको कंप्लीट किया लगभग 7 बजे। और गाइस ये जो जगह ना, ये भाई भूलने नहीं वाली है जिंदगी में। आई थिंक मैं मर भी जाऊंगा तब भी ये मेरी रूह में कायम रहेगी। और ये इतना ब्यूटीफुल है कि मैं इसको देखता ही रह रहा हूँ, बस देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, सही में कुदरत के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। और सीरियसली थैंक्स मैं इन भाई साहब को बोलूँगा जो ये मेरे दोस्त हैं। और आई थिंक ऐसे दोस्त किस्मत वालों को मिले जो किसी का सपना सच करवाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि ये पहाड़ी मेरे गांव से दिखती थी, और मैं छोटा था और क्रिकेट खेलता था तो सोचता था कि कौन सी पहाड़ी है यार, कौन सी पहाड़ी है, मैं जाऊंगा यहाँ पे जाऊंगा। और इन भाई साहब ने ये मेरा आज सपना पूरा करवाया, थैंक्स टू रवि भाई। तो हमने पूजा वगैरह करी, ओके, करीब 8 बजने ही वाले थे और वहाँ पे अंधेरा होने वाला था, तो हमने जल्दी जल्दी से टेंट लगाया। और उसकी भी ब्लॉगिंग हम नहीं कर पाए क्योंकि बैटरी ड्रेन का इशू, प्लस मैं चाहता था कि सुबह उठ के यहाँ का व्यू लिया जाए, व्यू कैप्चर करें जाए, फोटोग्राफ्स लिए जाएं, तो दैट्स वाई मैंने वो वाला पार्ट कवर नहीं किया। अगर वो वाला पार्ट कवर किया होता तो मैं सुबह की ब्लॉगिंग नहीं कर पाता, ठीक है। सो क्षमा चाहता हूँ आपसे इसके लिए। तो देखिए सुबह क्या होता है हमारे साथ। सो गाइस सुबह हो चुकी है, रात को काफ़ी ठंड थी पर टेम्परेचर पूरा टेम्परेचर माइनस में चला गया। हाँ, और इतनी ठंड थी कि क्या बताऊँ। फिर हमने किया भगवान को याद, और हम बिल्कुल यहाँ पे, फिर यार नींद भी आ गई, फिर मतलब कि ठंड भी कम हो गई, और जो आज तक कोई कर नहीं पाया वो हम दोनों ने किया, वो भी सिर्फ दो लोग। पता नहीं क्यों डरते हैं यहाँ पे कैंपिंग करने को। अब सबने यही बोला कि आप वहाँ कैंपिंग मत करना, नहीं करना, क्योंकि वहाँ डर लगता है। पता नहीं किसका डर है, पर यार इधर साथ में भगवान है, ठीक है, नहीं तो डर किसका था, डर एक ही बात, बिल्कुल कैलाश कुल के साथ। अभी हम दिखाते हैं आपको बाहर का। और मेन बात तो ये थी कि सही बात बताऊँ तो हमें मतलब कि इधर कुछ ऐसा डर वाला कुछ लगा ही नहीं। ये था कि डर इस चीज़ का था कि हमें ठंड लगेगी या फिर बारिश पड़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। भगवान शिव जी हमारे साथ ही रहे, ठीक है, नहीं बिल्कुल मज़ा आया, जिसको बोल रहे मज़ा। हाँ, थोड़ी आंखें स्वेल है भाई, इनकी भी आंखें स्वेल है, मेरी भी आंखें स्वेल है, ये तो हो पाई, लेकिन हमको इसको बोलने की नींद इतनी नहीं है, जब हम व्यू वगैरह ये देखते हैं ना तो नींद भाग जाती है। तो चलते फिर हम आपको बाहर से दिखाते हैं सब कुछ। तो गाइस फाइनली हमने जो सामान हमारा थोड़ा थोड़ा गिला हुआ था स्लीपिंग बैग,
वो दूध वो तो बिल्कुल जम गया जिसको बोलते हैं, और ये कंबल बेड शीट प्लस दूसरा कंबल और ये तिरपाल ये सारा गिला हो गया था, और अब बैग भी थोड़ा थोड़ा गिला हो गया, लेकिन ठंड नहीं लगी है भगवान की दया से। दूध को देखते हो आप सुबह तो बोलते ये पीने लायक नहीं, ऐसा लग रहा फ्रिज में लगा दिया। और आप देख सकते हैं वहाँ कैलाश, कैलाश खंड का व्यू, ग्लेशियर्स, थोड़ा डर रहेगा नीचे करने के ऊपर, देख लेंगे। तो चलते हैं उस साइड, ठीक है रवि भाई चले। और वहाँ हमने कैंपिंग करी थी आप देख सकते हैं, और ये है सुबह का अर्ली मॉर्निंग व्यू। सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। हम बहुत खुश नसीब है जो इस जगह पर आ पाए, और भगवान ने हमारा साथ दिया इस जगह तक आने का, और मेरा सपना भी पूरा हो गया। तो हर हर महादेव, चाहो भोलेनाथ। और बस यहीं तक सफ़र था, अब हम चले जाएंगे वापस नीचे। और एक दिन एक रात का स्टे हमने करा यहाँ पे, बहुत मज़ा आया जिसको बोल देना, थोड़ी सी ठंड लगी पर भगवान ने हमारा पूरा साथ दिया। आई लव दिस प्लेस। हर हर महादेव। बाय। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? एक बात कहनी है आपसे, अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ गिव दिस ब्लॉग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई प्रॉमिस यू मैं इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।